सावित्रीबाई फुले अमर रहे अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉ. गोपाल भाईती ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के लिए दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस देश में नारी शिक्षा के प्रथम शिक्षक ज्योतिबा दंपति महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने नारी शिक्षा को लेकर के उस समय आवाज उठाई थी जब नारी को घर से बाहर निकलना मुश्किल था। इसके साथ सामाजिक क्रांति के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि भारत सरकार को अब तक ज्योतिबा फुले की नजर नहीं आए। हम हर साल मांग करते हैं कि ज्योतिबा फुले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इनका कृतित्व, इनका कृतित्व इतना बड़ा है कि इनके बात भी छोटा है, लेकिन चूंकि एक परंपरा चली हुई है और ज्योतिबा फुले ने जो काम किया उस वक्त किया, आपको लोगों को शायद याद नहीं होगा कि जब स्वामी दयानंद पुणे गए थे टॉर्चर देने के लिए, तो चूंकि स्वामी दयानंद और ज्योतिबा फुले के संस्कार एक जैसे थे तो लोगों ने विरोध किया उसका, पंडितों ने। तब आप ये देखिए कि ज्योतिबा फुले ने संविधान का साथ दिया, तो जानते थे कि नारी शिक्षा बहुत आवश्यक है, उत्थान बहुत आवश्यक है, सीधा उत्थान बहुत आवश्यक है, ये जो धर्म के नाम पर आडंबर है वो मिटना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे महान धर्मयोगी को भारत सरकार भारत रत्न देवे, हमारी मांग है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 132वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पे आज हम लोगों ने यहाँ सर्किल पे उनके स्मारक पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है। और इसके बाद गुजराती हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर मंड कला, जो ललित कला अकादमी की संयोजक मेंबर है ममता चौहान, उनकी तरफ से और सावित्रीबाई फुले की ओर से आज वहाँ पर 4 दिन की शाला चलेगी, जिसमें जो क्ले होता है, मिट्टी होती है, उससे कैसे मूर्तियाँ बनाई जाती है, कैसे कलाकृतियाँ की जाती बनाई जाती है, उसके लिए हम लोगों ने आज महात्मा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजन रखा है। और ये प्रयोगशाला गुजराती हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 28 दिसंबर से लेके वो 28 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक चलेगी। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ 1 साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता। सबसे पहले अजमेर संभाग की जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। अगर छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, अगर रह गया आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार, तो आप स्वामी न्यूज के फेसबुक के प्लेलिस्ट पर जाकर उसके कमेंट बॉक्स पर जाकर वहां कमेंट करें और जानकारी दें कौन होगा 2023 में आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार। अगर छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, अगर रह गया आपके क्षेत्र का उम्मीदवार, तो आप स्वामी न्यूज के यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर उसके कमेंट बॉक्स में जाकर वहां कमेंट करें। साथ ही किस पार्टी से रख रहा है विधायक दावेदारी ये भी बताए और जानकारी दे कौन होगा 2023 में आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार।